हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो नई सुबह के साथ हम भगवान की पूजा करके अपने दिन की शुरुआत करना चाहते हैं, और आज हम आए हैं यहाँ पर। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है पद्मनाभ स्वामी का, जो कि बहुत ही पुराना टेंपल है और बहुत ही प्रसिद्ध है। अंदर तो कैमरा अलाउड होगा नहीं, बाहर से आपके उनके गेट के दर्शन करा देते हैं। एंड अभी हम अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे। दोस्तों, ये पद्मनाभा स्वामी जी का मंदिर है केरला पुवार में, और बहुत ही प्रसिद्ध 5000 साल पुराना मंदिर है। तो दोस्तों, मंदिर के अंदर नर हो या नारी, वो धोती पहन करके ही जाते हैं, और ऊपर जेंट्स जो होते हैं उनके वस्त्र नहीं होता, वो सब कुछ उतार के जाना पड़ता है। तो इस प्रकार प्रभु ने दर्शन दिए और दर्शन बहुत ही खूबसूरत हुए। साक्षात भगवान विष्णु वहाँ पर लेटे हुए हैं एक खूबसूरत मुद्रा में, और पीछे मंदिर है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। मतलब जो लड़कियां हैं, लेडीज हैं, वो साड़ी में जा सकती हैं, सूट अलाउ नहीं है, इसलिए मेरे को भी नीचे लुंगी पहनाई गई है। मुझे पता होता तो मैं साड़ी पहन कर आती। मैंने सूट पहना था, लेकिन मेरे सूट के ऊपर लुंगी पहनाई गई है। एक छोटी सी स्टोरी है जो मुझे अभी अभी याद आई है, जो यहाँ के लोगों ने मुझे बताई। भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, उनको भगवान ने साक्षात यहाँ पर दर्शन दिए। तो भगवान इतने बड़े, इतने विराट उनका स्वरूप, तो उन्होंने क्या किया, एक जितनी एक छड़ी होती है उस छड़ी के रूप में उतनी ही अपनों ने आकार को किया, छड़ी के बराबर आकार को किया, और उस आकार में आकर भगवान ने अपने भक्त को दर्शन दिए। ये भगवान वही हैं, भगवान विष्णु, जो अपने आप दर्शन देने के लिए एक भक्त के लिए आ गए, और एकदम आनंद की मुद्रा में भगवान लेटे हुए। केरला सारी है, मैं ले लूं, मैं देखती हूँ। हाँ, ये मंदिर के बाहर शॉप है, आपको मंदिर से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए, मैं आपको बाहर से दिखाऊं तो ये है मंदिर के अंदर जो भगवान की मूर्त है, वो ठीक इसी प्रकार है, इसी प्रकार भगवान लेटे हुए हैं। एग्जैक्ट सेम ऐसे ही मूर्ति है अंदर। ओके, तो दोस्तों, वापस हम दर्शन करने के बाद अपने रिजॉर्ट आ चुके हैं, और बहुत ज़्यादा धूप है, तो अभी धूप में तो कहीं बाहर निकल करके घूमना फिरना हो नहीं पाएगा। एक दो घंटे रेस्ट करने के बाद फिर हम सोचेंगे कि पूल में जाना है, केरला मसाज लेना है, जो भी प्लानिंग होगी हम एक घंटे बाद करना है, शाम को ही करना है, क्योंकि एक्चुअल में बहुत तेज़ धूप है। मतलब बॉडी, मतलब बर्निंग सेंसेशन हो रही है स्किन पे, लेकिन केरला की मसाज लेनी है। और हाँ, मैंने आज केरलाई साड़ी खरीदी है, उसको केरल साड़ी बोलते हैं, जो मैंने अपने लिए और मंदिर के बाहर से ही ली है, और दर्शन तो बहुत ही खूबसूरत हुए। बस थोड़ा सा आराम करते हैं, लंच कर लिया है, बहुत ही शानदार, और जल्दी मिलते हैं, जल्दी आई। तो दोस्तों, मंदिर गए, दर्शन किया, अपने रिजॉर्ट में आए और कुछ देर आराम किया। शाम होने वाली है, आज का दिन ही है हम जो यहाँ पर मौजूद हैं, उसके बाद कल अगेन चेकआउट करके हम आगे निकल जाएंगे। तो हमने सोचा कि आज इतना खूबसूरत हमारा रिजॉर्ट है, तो इसको एंजॉय किया जाए, तो हम हमारा रिजॉर्ट एंजॉय करेंगे, आज शाम यहीं पे गुजारेंगे और कोशिश करेंगे यहाँ पे एंजॉय करें। तो हम बीच बीच में रील्स बनाते रहेंगे, बीच बीच में आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे, आप साथ जुड़े रहिए। मैंने कोशिश की है थोड़ा सा साउथ इंडियन लुक रखने की, इसलिए नीचे धोती और ऊपर शर्ट पहनी है। आगे वीडियो देखेंगे आप तो हमारा पूरा लुक नज़र आएगा, साथ बने रहिएगा।
दोस्तों, बहुत देर से हमने बहुत फोटो शूट किया, बहुत से वीडियोस बनाए, बहुत जल्द आपके पास आएंगे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे, तो हमको फॉलो भी करिएगा। आईडी अनुराग के राग ANURAGKRAAG@gmail.com। अच्छा, खाली अनुराग के राग को फॉलो करना है, नंदिनी को भी फॉलो करिए star.nandinigupta। शाम की कॉफी और शाम का व्यू, पूल में जाने का मौका नहीं मिला है अभी तक, कोशिश करेंगे कि पूल में भी एक बार हो ही है कल मॉर्निंग, या वी कैन ट्राई। एक्चुअली यहाँ पर इतना धूप है कि पूल में जाएंगे कैसे, और जब शाम होती है तब तो ऐसा लगता है भी पूल में जाएं या फिर एंजॉय और करें। शाम की चाय आपके साथ, अगर आप शाम को ये वीडियो देख रहे हैं। काँ, काँ, काँ। उची बुलाइए आप कौवों को, तो आपके फ्रेंड है। नहीं, कौवे मेरे फ्रेंड नहीं है जाना। उची, आपके जितने भी पुराने फ्रेंड थे सब काले काले थे। आप बहुत जालस फील करते हो उनसे, आप तो हैंडसम हो ना। क्या व्यू है यार, मतलब आप कमरे से बाहर निकलो और चारों तरफ समंदर, हरियाली। बीच है वो गोल्डन सैंड बीच है।
वो देखिए लहरें, अरे इतनी बढ़िया लहरें आ रही हैं वहाँ पे सामने। हाउस बोट चढ़ जाओ क्या पेड़ के ऊपर? चढ़ जाओ, जाना चढ़ जाओ। इतने बार नीचे गिरूंगा तो वापस उठ नहीं पाऊंगा। क्यों गिरोगे आप? कौन सी लहरें वो दिखा रहे थे जाना? बीच पे समंदर की लहर आगे टकराती है तो पानी बहुत जोर से उठता है, अगर हमारे रिकॉर्ड करते करते आ जाए तो। देखो रेडी, वन टू ओके जाना। वैसे ये केरला का लास्ट कोस्टल एरिया है, उस ब्रिज के उस साइड में तमिलनाडु है। क्या लग रहे हो पुच्ची आप? तेरी मेहरबानिया, तेरी कदरदानिया। चले चलो।